बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बैलेंस कुछ नहीं, सब पता है मुझे, सिर्फ मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। क्या मैडम? अरे जबरदस्ती क्या मेरे ऊपर? एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या यू ऑलरेडी टच मी ट्वाइस, आई सॉ दैट। आंटी आपने देखा ना क्या किया इसने? पूछ लो। हाँ हाँ मैंने देखा, तुमने इसे टच किया। तेरे से लोगों ने ही मुंबई का भी माहौल खराब रखकर रखा है। एग्जैक्टली। अगले सप्ताह उतर जा, समझाएगा? इसकी भलाई है। मैं नहीं उतरूंगा, मैं क्यों उतरूं? उतर जल्दी, उतर जल्दी, समझा ना। हम दर्शकों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो अभी भी वायरल हुआ है। देखा ना क्या किया इसने? हाँ हाँ मैंने देखा, तुमने इसे टच किया। चलो गौर से देखिए इस दरिंदे को, जिसने रिया के साथ इतना घिनौना काम किया है। देखिए रोहित सक्सेना। हाँ? ये आईला लड़के को छेड़ता है। तुम पे जो एलिगेशंस लगे, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। जस्ट गेट लॉस्ट। मैंने देखा तुमने इसे टच किया। जीरो टर्मिनेशन लेटर। फिर मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। डोंट टॉक टू यू। तुम्हें भी ये लगता है कि ये सब मैंने किया? कंपनी की रेपुटेशन खराब। मैंने देखा तुमने इसे टच किया। फोन। जीरो टर्मिनेशन लेटर। फिर मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। इसे टच किया। मैं कुछ नहीं किया है। देखो I'm really sorry. तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और किसी ने वीडियो भी ले लिया था, लेकिन I'm really sorry. प्लीज मुझे जाने दो, मैं सबको सच बता दूंगी। जाने की क्या जरूरत, सच तुम यहीं भी बता सकती हो। ओके ओके ठीक है, मेरा नाम रिया माथुर है। मुझे आप सबको आज सच बताना है कि रोहित सक्सेना ने उस बस में कुछ नहीं किया था। उस दिन बस में जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सब मेरी गलती थी। एक्चुअली उस दिन वीडियो अपलोड हो गया था और वायरल भी हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ी पब्लिक सिंपथी भी मिलेगी और पब्लिसिटी भी, इसलिए आई ट्राई टू कैश ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड और मैंने रफा दफा करने के लिए 2 लाख रुपए भी लिए थे। बट आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट वाज ऑल माय फॉल्ट। दैट वाज इजी, थैंक यू। देखो अब तो मुझे जाने दो, मैंने सबको सच बोल दिया है, प्लीज। जाने से पहले एक और काम बाकी है। क्या? Are you mad? You're going to shoot me? सबको पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सबको किसको? गिने चुने तो दोस्त है मेरे। लोगों को शर्म आती है कि वो एक मोलेस्टर के दोस्त है। क्या लगता है, मीडिया अपनी गलती मानेगा? अरे कोने में पड़ा रहेगा ये वीडियो। पता है अगर लड़की घर पे बैठी रहे ना तो कोई कुछ नहीं बोलता, मगर अगर लड़का बैठे रहे तो नहीं चलता। लड़के को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, और वही अगर ना रहे तो। मैंने सबको सच बता दिया है, अब तो मुझे जाने दो प्लीज।